नमस्कार किसान भाइयों, मैं रामूलाल देवकिशन जी खत्री, डीबीएस के स्वाति बीज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिन किसान भाइयों ने स्वाति बीज लगाए हैं उनके अनुभव, उनकी जुबानी सुनिए और इसी तरह के अनुभव वाले नए वीडियो लाते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, धन्यवाद। राम राम। राम राम। नाम क्या आपका? अमृत भाई। अमृत भाई, अमृत भाई जेठा भाई पटेल, गांव गोदम जी। गोदम जी, ये मर्ची में कौन सी जात लगाए हो? स्वाति ग्रीन स्लिम। स्वाति ग्रीन स्लिम कहाँ से लाए थे? हिम्मतनगर से। हिम्मतनगर जो देव किशन जी वक्ता जी में, आपको कैसा लगा इसमें? बहुत बढ़िया लगा। ये मिर्ची लंबी होती है और मिर्ची ज्यादा लगती है। मिर्ची ज्यादा लगती है, लंबी होती है, साइज भी बढ़िया है इसकी। मार्केट में बेचने में कोई तकलीफ होती है? नहीं, मार्केट में वैल्यूएशन इसकी ज्यादा रहती है। ज्यादा रहती है? हाँ, 50 रुपये ज्यादा रहती है। 50-100 रुपये ज्यादा मार्केट भाव रहता है। हाँ, दूसरी कंपनी से। दूसरी कंपनी। इसमें फ्लावरिंग चालू की चालू रहती है? चालू ही रहती है। बैठक में आप देख सकते हो, यहाँ जो इसकी बैठक ग्रीन स्लिम की, आप हर प्लांट में देख सकते हो जो इसकी बैठक है। करने में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। स्टॉप। स्टॉप। नीचे बहुत लगी रहती है इसमें मर्ची। फ्लावरिंग भी इसमें बहुत चालू रहती है। और जो अपने खेड़ूत भाई है उनसे पूछते, जो इसमें फ्लावरिंग है कैसी रहती है? अच्छी रहती है। ये तुड़ाई करके आप बताओ तो, इसमें तुड़ाई करने में कोई तकलीफ होती है बिनी करने? तुड़ाई में बिल्कुल इजी है। इस तरह से मिर्ची को तोड़ा जा सकता है, यानी डाल इसकी नहीं टूटती है जल्दी? नहीं, कोई नहीं। जो मर्ची की साइज है कैसी रहती है इसमें? मर्ची की साइज लंबी रहती है। इस तरह की आ दूसरी बार तुड़ाई की है हमने, पहली बार की वो भी लंबी थी, दूसरी बार भी लंबी है। बराबर। मार्केट में भी जा करता भाव, वैल्यूएशन इसकी ज़्यादा रहती है। और इसका फायदा ये कि छोड़ कम है, उसकी हाइट कम है, लेकिन मिर्ची ज़्यादा लगती है, तोड़ने में मजदूरी कम लगती है। बराबर। जो कि इसकी साइज आप देख सकते हो नीचे बहुत ज़ोरदार लगी हुई। तो दूसरे खेड़ को आप क्या माहिती दोगे? दूसरे खेड़ों को मैं कहूँगा कि ये स्वाति ग्रीन स्लिम ही मिर्ची लगानी चाहिए। दूसरी मिर्ची लगाते हैं हम तो उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग, ज़्यादा मिर्ची नहीं लगती है, और ये मिर्ची में खेड़ों को फायदा ही फायदा होता है। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। વિડિયો વાયરલ થઈ જાય અમારો યુટ્યુબ ઉપર ના હે પાર્ટિસિપેટ કરો હા પાર્ટિસિપેટ પર બધા ને માર લગભગ ખર્ચો પૂરો થઈ જાય અમાર તો આમ ત્રીજી વેનાટ માં ફાયદો જ છે બસ યે સર યે મરચી લગાને મે કોઈ નુકસાન નહીં હે કોઈ નુકસાન નહીં ફાયદો ફાયદો છે લગી ગયો સાહેબ માં હમણે જ કહેતા કે મરચાનું મહત્વ છે કે છોડનું મહત્વ છે સાહેબ એમ કહેતા કે તમે મરચું તોડવાનું રાખવાનું સાથે એટલે અમે જુઓ આ રવિવારે સોમવારે તોડી નાખ્યું મરચું આ સાહેબ કંપનીમાંથી